नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वास्तु विज्ञान दिशा से दशा बदलो में, और मैं हूं अरविंद सूद। दोस्तों, आप में बहुत से लोगों के अभी भी फोन आते हैं और अभी भी मुझे कहते हैं कि अरविंद सूद जी, हमारी जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, हमारा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, हमारी सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में है, और एंड दे प्रेस मी हार्ड टू गिव सम रेमेडी। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया है, आज भी आपको कह रहा हूं, प्रेशर मत दीजिए मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के जो दोष हैं, आप समझ लीजिए इस बात को, वो बिना सर्जरी के, बिना तोड़फोड़ के ठीक नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा मुझे प्रेशर देते हैं कि कोई यंत्र लगवा दीजिए, कोई तंत्र लगवा दीजिए, कोई पिरामिड लगवा दीजिए, कोई शीशा लगवा दीजिए, कोई तार लगवा दीजिए। मैंने दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, देखा है, लोग उपायों के पीछे, रेमेडीज के पीछे भागते रहते हैं, लोग उन्हें पैसे लूटते रहते हैं उनसे, और उनको एक झूठी आशा देते रहते हैं, लेकिन ना तो उन उपायों से, ना तो उन रेमेडी से नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों के दोष ठीक हुए, ना तो नॉर्थ ईस्ट की किचन का दोष ठीक हुआ, ना तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के दोष ठीक हुए। देयरफॉर डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, वेक अप, जागिए दोस्तों। झूठी आशा में जीने से दोस्तों तो अच्छा है कि अगर हम तोड़फोड़ कर लें थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत उसमें तोड़फोड़ से अगर सुधार हो जाए, आई थिंक दैट इज ए मच 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 बेटर ऑप्शन। इन झूठे दिलासों में, झूठी आशाओं में मत फंसे दोस्तों। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट के जो दोष हैं, यू कैन नॉट रिमूव इट विद एनी काइंड ऑफ रेमेडी, वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट लाइक इट, दैट इज द ट्रुथ, यू हैव टू फेस इट। वहां पर बिना तोड़फोड़ के, बिना सर्जरी के सुधार नहीं आ सकता। मैं ये आपको बड़े चैलेंज के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, इन झूठी आशाओं में, झूठे दिलासों में मत फंसे, मत ठगे जाएं आप। इमोशनल हो जाता हूं दोस्तों जब आपको मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं। चर्चा कर रहा हूं दोस्तों आजकल आपके साथ द लोकेशन ऑफ द मास्टर बेडरूम। अभी तक मैं चर्चा कर चुका हूं आपके साथ नॉर्थ के मास्टर बेडरूम की, इट इज समहाउ एक्सेप्टेबल, नॉट डिजायरेबल। नॉर्थ ईस्ट का जो मास्टर बेडरूम है, इट इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट डिजायरेबल एट ऑल। ईस्ट का जो मास्टर बेडरूम है, समहाउ इट इज एक्सेप्टेबल बट नॉट डिजायरेबल। साउथ ईस्ट का जो मास्टर बेडरूम है, काफी हद तक इट इज एक्सेप्टेबल, यू कैन हैव द मास्टर बेडरूम इन द साउथ ईस्ट विदाउट एनी सुपरस्टिशन, जिसकी मैंने चर्चा आपके साथ आज देखते हैं दोस्तों, वेदर यू कैन हैव द मास्टर बेडरूम इन द साउथ और व्हाई यू कांट हैव द मास्टर बेडरूम इन द साउथ। बी चेयरफुल अबाउट इट। नंबर वन लोकेशन, एक्सेलेंट लोकेशन, परफेक्ट लोकेशन फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस एंड द मास्टर बेडरूम इज साउथ, दक्षिण। कारण लॉजिक हमेशा देता हूं दोस्तों आपको, बिना लॉजिक के मैं कुछ भी ना तो एक्सेप्ट करता हूं अपनी लाइफ में, और बिना लॉजिक के आपको समझाने की मैं कभी कोशिश भी नहीं करता हूं। दक्षिण की जो दिशा है दोस्तों, ये हमें क्या देती है, अगर आप अध्ययन करें शास्त्रों का, साउथ की जो डायरेक्शन है, इट गिव्स अस ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट स्टेबिलिटी, अर्थात बल और जो शक्ति है वो हमें साउथ की दिशा देती है। हु हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, हु नीड्स द मोस्ट स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ, ऑफ कोर्स दैट इज द मास्टर ऑफ द हाउस। बाय गोइंग दिस लॉजिक, डेफिनेटली नंबर वन लोकेशन, एक्सलेंट लोकेशन और द परफेक्ट लोकेशन, अगर आपके पास दक्षिण में कोई रूम है, आप उसको मास्टर बेडरूम बनाने से कभी भी संकोच मत करें, और संभावनाओं को तलाश करके साउथ का जो रूम है, यू मस्ट ऑक्यूपाई फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस, यू शुड हैव द मास्टर बेडरूम इन द साउथ। एब्सोल्युटली एम्पल, क्लियर एंड लाउड। दक्षिण का रूम आप मास्टर बेडरूम के लिए बनाते हैं, डेफिनेटली जो घर का मुखिया है उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होगी, स्टेबिलिटी अच्छी होगी, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगली दिशा दोस्तों देखते हैं हम लोग,
साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण। अगर आपके पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में रूम अवेलेबल है, बी चेयरफुल अबाउट इट। इट इज स्लाइटली आई विल से बेटर देन द साउथ रूम, द नंबर वन लोकेशन, एक्सलेंट लोकेशन एंड द परफेक्ट लोकेशन फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस इज साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तर्क क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जो साउथ और साउथ वेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर। कारण अगर साउथ का और साउथ वेस्ट का आप तत्व देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे, दैट इज कॉमन, दैट इज अर्थ एलिमेंट। सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेंथ है वो किसके अंदर है? पृथ्वी तत्व के अंदर। अर्थ एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो अर्थ एलिमेंट में होती है। देयरफोर अगर दक्षिण पश्चिम का रूम आपके पास अवेलेबल है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू मस्ट गिव साउथ वेस्ट रूम टू द मास्टर ऑफ द हाउस। जैसे मैंने बताया था दोस्तों दक्षिण की दिशा है, उसी तरह से दक्षिण पश्चिम के अंदर जो स्ट्रेंथ और जो स्टेबिलिटी है दैट इज इवन बेटर देन द साउथ। एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी हु रिक्वायर्स द मोस्ट? विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल से मास्टर ऑफ द हाउस रिक्वायर्स मोस्ट स्टेबिलिटी एंड द मोस्ट स्ट्रेंथ इन द फैमिली। जब घर का मुखिया स्ट्रांग होगा, घर के मुखिया के अंदर स्टेबिलिटी बेटर होगी, तो डेफिनेटली ही कैन रन द फैमिली इन ए मच मच बेटर वे। बहुत से लोगों को दोस्तों ये भ्रम है, मैं आज बता देता हूं आपको, कि साउथ और साउथ वेस्ट में जो होता है वो वहां पर टिक जाता है। पार्टली यू आर राइट, बट दिस इज ए हाफ कुक्ड नॉलेज। मानता हूं दोस्तों इस बात को कि साउथ और साउथ वेस्ट में जिसको टिकाना हो उसको वहां बिठाया जाता है, बट इट डज नॉट मीन कि अगर घर के मुखिया को साउथ और साउथ वेस्ट का रूम देंगे तो वो घर के अंदर बैठ जाएगा, जाम हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। साउथ और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है हमें बल देती है, शक्ति देती है, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देती है। बाय गोइंग दिस लॉजिक वी मस्ट गिव मोर एंड मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एंड द स्ट्रांगनेस टू द मास्टर ऑफ द हाउस। देयरफोर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अगर आपके पास रूम अवेलेबल है, यू मस्ट गिव दिस रूम टू द मास्टर ऑफ द हाउस एंड दिस इज द परफेक्ट लोकेशन फॉर द मास्टर बेडरूम। समय समाप्त हो रहा है दोस्तों आज के एपिसोड का। अरविंद सूद को इजाजत दीजिए, कल आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी और इसी चर्चा को आपके साथ एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। एंड आई ऑलवेज से एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यू मस्ट हैव ए ग्रेट लाइफ, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड लिव योर लाइफ किंग साइज। नमस्कार, धन्यवाद।